तो आज इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि पांच कंपनी की जॉब अपडेट लेकर के आई हूँ। जी दोस्तों, ये पांच बड़ी कंपनी फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट को वर्क फ्रॉम ऑफिस एंड वर्क फ्रॉम होम की लोकेशन के लिए हायर कर रही हैं। और आज इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर जानकारी दूंगी कि कौन से लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, क्या एज रिक्वायर्ड है, क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या सैलरी पैकेज आपको दिया जा रहा है, किस तरीके से यहाँ पर आपको अप्लाई करना होगा, इन सारी चीजों के बारे में बताऊंगी आज इस वीडियो में। जो फर्स्ट वैकेंसी होने वाली है ये इंडिगो एयरलाइंस की होने वाली है, जिसमें फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो गाइस, यहाँ पर अगर आपने 10th पास की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास भी है अगर आप तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएशन वालों के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी है। तो अगर आपकी क्वालिफिकेशन 10वीं 12वीं या फिर ग्रेजुएट है आप, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड वैकेंसी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये आपकी पिज्जा हट और KFC में होने वाली है। इस वैकेंसी में ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कैंडिडेट भी यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड वैकेंसी की बात करें दोस्तों, तो ये ओयो कंपनी में होने वाली है और इस वैकेंसी में बीटेक एंड बीई कैंडिडेट वालों के लिए काफी सारी वैकेंसी आई है, लेकिन अदर ग्रेजुएट कैंडिडेट जैसे कि बीकॉम बीएससी वाले लोग भी यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए भी काफी सारी जॉब अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल जाएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वैकेंसी आपकी डावर जैसी बड़ी कंपनी में आई है, जो कि ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए आई है। दोस्तों, वीडियो कुछ बड़ी हो सकती है, लेकिन प्रॉपर जानकारी आपको प्रोवाइड करेगी कि आप यहां पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं एंड क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, कौन सी जॉब वैकेंसी में आपको अप्लाई करना है, इन सारी चीजों के बारे में प्रॉपर डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं फ्रेंड्स मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर। सो गाइस, आप यहां पर चेकआउट कर सकते हैं कि आपके सामने खुली है इंडिगो एयरलाइंस की वेबसाइट, और आप यहां पर चेकआउट कर सकते हैं कि कितनी सारी जॉब वैकेंसी यहां पर आई है। गाइस, ये रीसेंट जॉब ओपनिंग्स है जो कि कुछ दिन पहले ही यहाँ पर पोस्ट हुई हैं। आप देख सकते हैं 2 दिन पहले 6 दिन पहले 21 दिन पहले ये जॉब वैकेंसी आई है। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं 21 अप्रैल से लेकर के 30 मई तक कंटिन्यू जो है हायरिंग इवेंट्स चल रहे हैं कई सारी लोकेशंस पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारी लोकेशंस है, बेंगलोर, दिल्ली, गुवाहाटी, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, अगेन बेंगलोर, कई सारी जगहों पर केबिन क्रू के यानी कि एयर होस्टेस के जो है यहाँ पर जो है इंटरव्यूज़ डायरेक्टली वॉकिंग्स जो हैं वो कंडक्ट कराए जा रहे हैं और काफ़ी सारे लोगों को मौका दिया जा रहा है। तो काफ़ी सारी लड़कियों का मेरे पास कमेंट आया था रिसेंटली, जो मैंने एयरपोर्ट की जॉब डाली थी कि मैडम हमें जॉब वैकेंसी बताइए। तो ये देखिए, आप सभी के लिए इंडिगो फिर से एक बार लेकर के आ चुका है केबिन क्रू की वैकेंसी, जहाँ पर डायरेक्टली आप वॉक इन के थ्रू पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हर एक जगह के लिए ना सेम ही रिक्वायरमेंट है। तो एक वैकेंसी मैं आपको यहाँ पर रीड आउट करके देती हूँ। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए 18 साल से लेकर के 27 साल तक की लड़कियाँ जो है अप्लाई कर सकती हैं। लड़कों के लिए भी वैकेंसी है, नॉर्मल वैकेंसी जो आई है वहाँ पर लड़कों के लिए भी काफ़ी सारी जॉब अपॉर्चुनिटी है, लेकिन जो डायरेक्ट हायरिंग इवेंट्स में केबिन क्रू की जो वैकेंसी आई है जिसमें डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यूज़ हैं, वो सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है जो कि एयर होस्टेस की पोस्ट के लिए है। आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th पास अगर आपने की है किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, आप अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ 12th पास यहां पर क्वालिफिकेशन मांगी गई है। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, 12th पास क्वालिफिकेशन के साथ आपके पास हिंदी और इंग्लिश की जो आपकी फ्लुएंसी है वो अच्छी होनी चाहिए। हाइट भी बहुत कम मांगी गई है, 155 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग जो है आपका वेट होना चाहिए। साथ ही में आपके हाथ में जो है विजिबल टैटू नहीं होने चाहिए, जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं अगर आप फीमेल हैं, 18 से 27 साल की एज के बीच में आती हैं, अगर आपकी हाइट 155 सेंटीमीटर है और आप 12th पास हैं, आपकी इंग्लिश और हिंदी कम्युनिकेशन स्किल्स हिंदी और इंग्लिश में अच्छी है, तो आप यहां पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं डायरेक्ट हायरिंग इवेंट्स में जो है डायरेक्ट वॉक इन के थ्रू आप यहां पर इंटरव्यू देने जा सकते हैं। जैसे कि ये वैकेंसी है जो कि दिल्ली की लोकेशन की है, 25 अप्रैल जो है यहां पर इंटरव्यू चल रहा है, 25 अप्रैल मंडे है और इस लोकेशन पर यहाँ पर देखिए ये एड्रेस जो है यहाँ पर दिया गया है, तो आप इस एड्रेस पर जा करके डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यूज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। गाइस, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पर वॉक इन में या किसी भी तरीके की कोई भी इंटरव्यू में पैसे नहीं लिए जाते, फ्री ऑफ कॉस्ट जो वैकेंसी है।
फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आपको जो है हायर किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, किसी तरीके के कोई पैसे यहाँ पर रिफंडेबल अमाउंट या किसी भी तरीके की सिक्योरिटी अमाउंट आपसे यहाँ पर नहीं ली जाती है। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर हायरिंग इवेंट्स के अलावा और भी कई सारी वैकेंसी मेल कैंडिडेट के लिए भी आई हैं, तो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर सभी वैकेंसी की प्रॉपर जानकारी दी गई है और यहाँ पर आप डायरेक्टली जो है इनकी वेबसाइट से ही अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए लॉग इन टू अप्लाई नाउ के बटन पर आपको क्लिक करना है, प्रॉपर अप्लाई करना सीखना है। तो इससे पहले मैं और एक और वीडियो लेकर के आई थी, उसका लिंक मैं आपको नीचे दे देती हूँ। वहाँ पर मैंने प्रॉपर तरीके से आपको बताया है, एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है कि कैसे आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट से जा करके जो इनकी रेगुलर जो नौकरियां आती हैं उनमें कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वहां से जाकर के वो वीडियो चेक कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी और इसके अलावा मुझे कंपनियों की जॉब वैकेंसी के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। तो इस वीडियो को बड़ा ना करते हुए हम नेक्स्ट वैकेंसी की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि आपकी पिज़्ज़ा हट और जो है KFC में आई है। गाइज आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। गाइज ये जो कंपनी है ना, बेसिकली KFC और पिज़्ज़ा हट के लिए काम करती है और इन्हीं कंपनी में आपको एम्प्लॉयमेंट दिलवाती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जनरल, अगर आप KFC या पिज़्ज़ा हट में जनरल रेस्टोरेंट मैनेजर की पोस्ट पर काम करना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। शिफ्ट मैनेजर या टीम मेंबर के प्रोफाइल में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उस पोजीशन के लिए भी इस वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं। अभी फिलहाल में जो वैकेंसी निकली है ये स्टोर करियर में, अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आप उन वैकेंसी को चेकआउट कर सकते हैं। कॉर्पोरेट लाइन में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टोर करियर की मैं वैकेंसी आपको दिखा देती हूँ। अप्लाई नाउ के बटन पर मैं क्लिक करती हूँ। ये देखिए KFC एंड पिज़्ज़ा हट दोनों ही ऑप्शन आपके लिए आ रहे हैं। अगर आप सिर्फ KFC में काम करना चाहते हैं तो KFC सेलेक्ट करिए, अगर आप पिज़्ज़ा हट में काम करना चाहते हैं तो सिर्फ पिज़्ज़ा हट सेलेक्ट कीजिए। और देख सकते हैं कि अभी फिलहाल यहाँ पर असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर की पोस्ट पर वैकेंसी आई है। तो अगर आप असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर या जनरल मैनेजर की पोस्ट पर काम करना चाहते हैं KFC या पिज़्ज़ा हट में तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ वैकेंसी यहाँ पर कॉर्पोरेट करियर्स में भी आई है, यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। देख सकते हैं कि कितनी सारी पोस्ट पर वैकेंसी है। तो अगर आपने ग्रेजुएशन की है, 10th पास की है, 12th पास की है या फिर अगर आप BTech कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से इन कॉर्पोरेट प्रोफाइल पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करना बहुत ही सिंपल है गाइज, आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपना रिज्यूमे भेजना है। कहाँ पर भेजना है, कैसे भेजना है, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। आपको करना क्या है, अपनी मनचाही नौकरी पर यहाँ पर क्लिक करना है, नो मोर के बटन पर आपको क्लिक करना है। जब आप नो मोर के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए अप्लाई नाउ का, उसमें आपको यहाँ पर फुल नेम लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, ईमेल आईडी लिखनी है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है और इसके बाद अपना रिज्यूम जो है अपलोड करके जो है सबमिट कर देना है, या फिर आप डायरेक्टली इस मेल आईडी पर भी अपना CV जो है डायरेक्टली भेज सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है। अगर आप KFC में या पिज़्ज़ा हट में एज एन ग्रेजुएट होकर के अपना करियर बनाना चाहते हैं या फिर अगर आपके पास बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है BTech होकर के या फिर फाइनेंस की लाइन में, तो भी आप यहाँ पर कॉर्पोरेट सेक्टर में जो है अपना करियर बना सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल ढंग से आप यहाँ पर अप्लाई कीजिए, घर बैठे बिना किसी चार्जेस के, बिना किसी फीस के आप यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। देन गाइस नेक्स्ट वैकेंसी जो कि नेक्स्ट कंपनी में होने वाली है, यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। ये वैकेंसी आपकी ओयो जैसी बड़ी कंपनी में है। आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं कि मैंने ओयो की ऑफिशियल वेबसाइट खोल रखी है और यहाँ पर आपको करंट ओपनिंग्स जो है काफ़ी सारी, 22 ओपनिंग्स जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि इंडिया की कई सारी लोकेशन जिसमें दिल्ली, गुड़गांव, चेन्नई, कोयम्बतूर, लखनऊ, मुंबई, बेंगलोर जैसे शहर जो आते हैं। और अगर हम बात करें जॉब रोल्स की तो यहाँ पर कस्टमर सर्विसेज, पब्लिक रिलेशन, लीड जनरेशन, साथ ही साथ कंट्री हेड, अकाउंटेंट, रिलेशनशिप मैनेजर, वॉइस क्वालिटी अश्योरेंस टेस्टिंग मैनेजर, टैक्सेशन फाइनेंस मैनेजर जैसी पोस्ट पर यहाँ पर कई सारी भर्तियाँ जो है आपको देखने को मिल जाएगी। तो गाइज आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं, इस इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ये सारी की सारी जॉब वैकेंसी पोस्ट हुई है। और मैं आपको बता दूँ कि इस वैकेंसी में, यानी कि ओयो की वैकेंसी में, अगर आप एक्सपीरियंस रखते हैं तो आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा सैलरी पैकेज दिया जाएगा और अगर आप फ्रेशर हैं तो आपके लिए यहाँ पर कई सारी इंटर्न अपॉर्चुनिटीज़ भी आई हैं। तो आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं गाइज। इस वेबसाइट का लिंक भी आपको मैंने नीचे
डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप अपनी क्वालिफिकेशन को मैच कीजिए, चेकआउट कीजिए और डायरेक्टली अपनी मनचाही नौकरी में क्लिक करके ये जो अप्लाई बटन का जो आपको बटन अप्लाई बटन का जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर क्लिक कीजिए। और देखिए यहाँ पर आप जो है डायरेक्टली लिंक्डइन के थ्रू, naukri.com के थ्रू या डायरेक्टली इनकी वेबसाइट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज ये 100% वेरीफाइड नौकरी है जो कि आपकी ओयो जैसी बड़ी कंपनी में आई है। और इनके अलावा जो भी मैंने वैकेंसी बताई है ये 100% वेरीफाइड है, खुद वेरीफाई करके मैंने यहाँ पर आप सभी के लिए इनकी प्रॉपर जानकारी आपको बताई है। लास्ट वैकेंसी जैसे कि मैंने आपको बताया, लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो कि आपकी डाबर जैसी बड़ी कंपनी में है, आप यहां पर चेकआउट कर सकते हैं। 16 जॉब ओपनिंग्स आई हैं डाबर में जो कि कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले आई हुई हैं, जिनके लिए अभी भी कंपनी हायर कर रही है, आप यहां पर चेकआउट कर सकते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट वैकेंसी आपकी सेल्स ऑफिसर की रहने वाली है जो कि हैदराबाद लोकेशन की है। इसके बाद दूसरी वैकेंसी भी सेल्स प्रोफाइल की है, बैंगलोर लोकेशन की है। प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट की वैकेंसी आई है। MR मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की भी यहां पर वैकेंसी आई है, बहुत ही कम एक्सपीरियंस के साथ। अगर आपके पास 1 से 6 साल का एक्सपीरियंस है, 3,50,000 से लेकर के 4,50,000 रुपये तक का सैलरी पैकेज यहां पर दिया जा रहा है। तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से या फिर या ये जो लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है वहां से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। और इन में से कई सारी जॉब ओपनिंग्स जो कि रिसेंटली यहां पर आई हुई है, अपनी क्वालिफिकेशन को मैच करके यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज ये थी 5 कंपनी की जबरदस्त वैकेंसी, जिनमें से फर्स्ट वैकेंसी आपकी इंडिगो एयरलाइंस की थी, जिसमें बहुत ही कम क्वालिफिकेशन के साथ फीमेल कैंडिडेट एंड मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड वैकेंसी आपकी पिज़्ज़ा हट और KFC में थी। थर्ड वैकेंसी आपकी ओयो में थी और लास्ट वैकेंसी आपकी डाबर में थी। तो आपको ये सारी जानकारी जो है वो समझ में आई होगी। और गाइज अगर आप इस तरीके की वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सबका अप्लाई लिंक मैंने जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां पर क्लिक करके इन कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक चीज़ दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगी, देखिए कि मेरे जो भी चैनल पर जो भी वैकेंसी आती है या जो भी बिजनेस आइडिया होता है उनका मैं डायरेक्ट नंबर आपको प्रोवाइड करती हूँ। अगर वो अपॉर्चुनिटी ख़त्म हो जाती है या वो काम बंद हो जाता है, जिनके लिए हायरिंग क्लोज हो जाती है, तो उनका नंबर मैं हटा भी देती हूँ। सारे लोग जो है जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको कमेंट करते हैं और उनको बोलते हैं DP में दिया हुआ नंबर पर कॉल कीजिए और इस जॉब वैकेंसी को पाइए या इस तरीके के काम को पाइए, तो मैं आपको बता दूं प्लीज आप उनको कॉल मत कीजिए। मैं काफी बार रिपोर्ट कर चुकी हूं, काफी बार उनके कमेंट डिलीट कर चुकी हूं, लेकिन वो अलग अलग प्रोफाइल से फिर से उस कमेंटर को उनको रिप्लाई करते हैं। दोस्तों साथ ही मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अब आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, मैं पर्सनली आपके लिए वहां पर अवेलेबल रहती हूं। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक कीजिए और इसी तरीके की वीडियो के लिए आप हमारा YouTube चैनल jobnow247.com को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे दोस्तों कल फिर से एक और जबरदस्त इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।